राज्य जुड़े प्राय 55,000 शून्य पदे आईसीडीएस कर्मी नियोगे नतून एक चाकरी विज्ञप्ति अपने साथ शेयर करते चले अष्टम श्रेणी पास से शुरू कर आवेदन करते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गए कीभे आवेदन करबें की डकुमेंटर प्रयोजन रही है आवेदन कब शुरू ऑफिशियली नोटिस सह आजकल भिडियो माध्यम जानिए देव चैनल नतून हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर रखबेंगे और चाकरी संक्रांत लेटेस्ट अपडेटगुल्लो सवार आगे पावर भिडियो भाला भिडियो अवश्य एक लाइक कर देंगे अपने बंधुदेश देखार जो तक इनफरमेशन देर भिडियो के बेसि बेसि शेयर करें संगे टेलिग्राम ग्रुपे जॉइन हो जाए लिंक डिस्क्रिप्शन बक्से रही है तो चलो भिडियो शुरू करी। तो बंधुरा सरसरी एके अफिसियल विज्ञप्ति पहुंचे गए अनुस्कार देखते 55,000 शून्य पदे आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी सहिका नियोग अष्टम व माध्यमिक पास चाकरी 20 जून 2023 साल प्रकाशित हो कीभे आवेदन करबें एखे आवेदन करते गले की डकुमेंटर प्रयोजन रही है आवेदन कब शुरू हो स्टेप बै स्टेप जानिए देव भिडियो माध्यम से भिडियो स्किप न कर सम्पूर्ण भिडियो देखार चेष्टा करें। राज्य 50,000 बेसि शून्य पदे आईसीडीएस कर्मी नियोगे विज्ञप्ति प्रकाशित हो जानने न्यूनतम अष्टम श्रेणी पास कर अपनारा सरसरि आवेदन करते हैं तई आपनी जदि दीर्घदिन धरे आईसीडी चाकर आशा बसे थकें तो ये आपनर जो सुवर्ण सूझ कारण इतिपूर्वे एत बस संख्यक शून्य पद आईसीडीएस कर्मी नियोग तई सामने आसन्न निर्वाचन के लक्ष्य कर नियोग जाते सरकार चाकरी प्रार्थी मन जय करते तई आपनी जदि य चाकरी सम्पर्के आग्रह प्रकाश करोटी प्रथम के शेष पर्त देखते ही थकबें और ये विस्तारित विषय देया रही है आवेदन क्यों करबें जानिए देव यह भिडियोर माध्यम शून्य पदे नाम एखे रही है राज्य सरकार जिलाभित्तिक आईसीडीएस नियोग प्रक्रिया जिसको प्रधान प्रधान पदे नियोग से पदगुलि हल आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी आईसीडीएस अंगनवाड़ी सहिका और आईसीडीएस अंगनवाड़ी सुपारभाइजर पदे नियोगकरण होने देखते तीन धरण पदे ये नियोगकरण आईसीडीएस अंगनवाड़ी कर्मी आईसीडीएस अंगनवाड़ी सहिका और आईसीडीएस अंगनवाड़ी सुपारभाइजर पदे नियोगकरण अष्टम श्रेणी पास से शुरू कर आवेदन करते हैं तब आईसीडीएस सुपारभाइजर पदे आवेदन करते गले एक उच्चतर शिक्षकगत योग्यता प्रयोजन रही है तो क्यों शिक्षकगत योग्यता प्रयोजन रही है से भिडियो माध्यम अपन के शेयर कर देव मोट शून्य पदे संख्या देखो अंगनवाड़ी कर्मी अंगनवाड़ी सहिका और अंगनवाड़ी सुपारभाइजर मिले सर्वमोट 55,000 काछाकाछि मोट शून्य पदे नियोग प्रक्रिया सम्पन्न करा तब जिलाभित्तिक शून्य पदे संख्या भिन्न भिन्न होते पश्चिमबंगे 23 जिलाते नियोग कराना है तब एखे आलदा आलदा भावे शून्य पद क्यों थको कोई देखा जाए 10,000 थको 5,000 थको 2,000 थको एरकम कर शून्य पद थक तो सर्वमोट एखे 55,000 शून्य पदे नियोगकरण हो राज्य जुड़े आवेदन प्रार्थी शिक्षागत योग्यता एखे दा रही है अंगनवाड़ी कर्मी क्षेत्र में शिक्षागत योग्यता माध्यमिक पास हम अपना आवेदन करते हैं आर अंगनवाड़ी सहिकार क्षेत्र अपना शिक्षागत योग्यता अष्टम श्रेणी पास होना ये आवेदन करते हैं तो ये देखते अष्टम श्रेणी पास के शुरू कर आवेदन करते हैं अंगनवाड़ी सहिकार क्षेत्र अष्टम श्रेणी पास और अंगनवाड़ी कर्मी पदे आवेदन करते गले माध्यमिक पास अवश्य अपने होते हैं सर्वशेष अर्थात सुपारभाइजर पत्र आवेदन करते हमें आपके को स्वीकृत विश्वविद्यालय के ग्रेजुएशन कमप्लीट कर थकते हैं अर्थात अष्टम श्रेणी पास के ग्रेजुएशन पर्यंत समस्त पदे जो आलदा आलदा शिक्षागत योग्यता रही है तो सुपारभाइजर पदे आवेदन करते गए अपना के ग्रेजुएशन कमप्लीट कर थकते हैं स्वीकृत विश्वविद्यालय के तब क्यों अपना सुपारभाइजर पदे आवेदन करते हैं मासिक वेतनगुलो क्यों आलदा आलदा रही है ऊपर उल्लिखित विभिन्न पदर क्षेत्र में वेतन परिमाण विभिन्न रही है जमन अंगनवाड़ी कर्मी क्षेत्र में मासिक वेतन देव 8,250 टाका अंगनवाड़ी सहिका पदे कर्मी वेतन देव 6,300 टाका सुपारभाइजर पदे मासिक वेतन देव न्यूनतम 35,000 टाका आवेदन प्रार्थी बयस एखे आवेदन करते हमें आवेदन प्रार्थी बयस न्यूनतम 18 থেকে 45 বছর বয়সের মধ্যে হতে হবে এছাড়া সংরক্ষণ শ্রেণীর প্রার্থীরা সরকারের নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট বয়সে ছাড় পেয়ে যাবেন তো আপনারা এখান থেকে তো বয়সের ছাড়গুলো পেয়ে যাবেন তবে 18 থেকে 45 মধ্যে বয়স আপনাদের হতে হবে ন্যূনতম 18 এবং সর্বোচ্চ বলেছে 45 মধ্যে থাকতে হবে আবেদন প্রক্রিয়া এখানে রয়েছে এই কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ অনলাইনে মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হবে তো আপনারা এখানে বুঝতে পারছেন যে অনলাইনে মাধ্যমে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে তার জন্য আপনাদের অফিশিয়াল ওয়েবসাইট ভিজিট করতে হবে যার লিংক ডেসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন সেখান থেকে ক্লিক করে ডাইরেক্ট আপনি আবেদন পেজে পৌঁছে যেতে পারবেন যদি আবেদন করার ভিডিওর প্রয়োজন হয় অবশ্যই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে WhatsApp গ্রুপে অথবা Telegram গ্রুপে আপনারা মেসেজ করতে পারেন অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর আপনাকে কতগুলো পদক্ষেপের মাধ্যমে আবেদনটি সম্পন্ন করতে হবে সেগুলি হলো একটি বৈধ মোবাইল নম্বর দিয়ে আপনাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন করে নিতে হবে রেজিস্ট্রেশন করা হলে আপনার রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ও পাসওয়ার্ড দিয়ে পুনরায় লগইন করে নিতে হবে লগইন করার পরিবর্তে আপনাদের आवेदन अपशन की खुले जाए क्लिक कर लेना सरसरि आवेदन करते हैं आवेदन फर्म से उल्लिखित नाम ठिकाना और शिक्षागत योग्यता यथाथ स्थान सठीक पूरण करते हैं तो वह समस्त विषयगू थको सेगल आप पूरण करते हैं
आवेदन फर्म पूरण हो गए शेषे अपने फटो और सिगनेचार और प्रयोजन डकुमेंट्स आपलोड करते हैं कि डकुमेंट आपलोड करते हैं सेगल डकुमेंट आपलोड पर्व शेष हमले अपने आवेदन फी प्रयोजन मत प्रदान करते हैं ये अपने आवेदन प्रक्रिया सम्पन्न करते हैं। तो ये आवेदन फीस आपके दीते हैं कत टा दीते हैं से क्योंकि इन्हें देव नहीं जखनी आपन अनलाइन आवेदन करबें से ही अपना पे जा प्रयोजन नथिपत्र एखे बोले एखे आवेदन करते हमें अपना जिसमें प्रयोजन नथिपत्रगुल्लो लागू सेगल बोले अपना जन्म प्रमाणपत्र हिसाब से बार्थ सार्टिफिकेट व माध्यमिक एडमिट कार्ड रेसिडेंसियल प्रमाण हिसाब से अपना भोटार कार्ड व आधार कार्ड अपन शिक्षागत योग्यतार मार्कशीट और सार्टिफिकेट जतिगत शंसापत्र बाध्यतमूलक नए जदि था क्षेत्र में दीते आवेदनकारी रंगीन पासपोर्ट फटो और सिगनेचार स्कैन करके अपलोड कर दीते हैं। तो बंधु आशा करते हैं भिडियो बुझते पे जी कारो कोकम बुझते असुविधा है भिडियो कमेंट बक्स अवश्य कमेंट कर भिडियो भाला भिडियो अवश्य लाइक करें और अपने बंधुदे देखार जो तक इनफरमेशन देखने भिडियो की बेसि बेसि शेयर करें चैनल नतून है चैनल की सबसक्राइब करकम चाकरी समय लेटेस्ट अपडेट सब आगे पाजन संगे टेलिग्राम ग्रुप जॉइन हो लिंक डिस्क्रिप्शन बक्से रही है। तो चलो मुझे देखा पर भिडियो तो अंदर भाव सुस्त अपने ख्याल रखें। वाल बांग्ला स्टूडियो यूट्यूब चैनल से जुड़े थकबंब।